देखिए, हम तो सभी सबसे पहला बात हम सभी का भावना करते हैं, हम सम्मान करते हैं, और हम उनसे यही कहना चाहेंगे कोई भी लड़ाई जो होती है वो संवैधानिक होती है। आज जो कुर्मी समुदाय लड़ाई लड़ रहा है वो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है, वो देना ना देना उनको जस्टिफाई करना ये भारत की जो विधायिका है उसका काम है, संविधान का काम है। अभी पटेल आंदोलन हुआ था, कहीं गुर्जर आंदोलन हुआ था, कहीं जाट आंदोलन हुआ था, तो किसी समुदाय ने उनको डिस्टर्बेंस नहीं किया था, ये गवर्नमेंट का काम है, वो उन्हें चिन्हित करेगी, वो उनके भावनाओं को समझेगी। तो लड़ाई, भारत एक संवैधानिक देश है, यहां हर व्यक्ति को अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए आंदोलन का अधिकार है। ईडब्ल्यूएस का मामला लीजिए, कहिए किसी ने आम व्यक्ति ने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि लगा कि जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी भी स्थिति अब सामान्य नहीं रही, तो ईडब्ल्यूएस सरकार लेकर आई, समर्थन मिला, आज ईडब्ल्यूएस चल रहा है। तो ये संवैधानिक मामला है, तो ठीक उसी प्रकार ये जो मांग है संवैधानिक मामला है। अब वहां क्या करना है नहीं करना है वो भारत के संविधान को देखना होगा, और भारत की जो विधेयिका है, जो व्यवस्था है, डिपार्टमेंट है, उनका काम है। बाकी लोग अपने स्तर से मांगों को रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, हमने कभी किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाया है ना हम पहुंचाएंगे, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि अगर कोई मांग रहा है तो उसके पीछे कारण होगा, तभी वे मांग रहे हैं। 1932 को लेकर विवाद जारी रहेगा, जयराम क्या आगे संघर्ष करेंगे या छोड़ देंगे? नहीं, 1932 पर ही हम लोग है, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि जो आपने जैसा मन बात कही, तो मैं अब वो बहुत प्राचीन इतिहास है हमारा, उस इतिहास को मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने 1932 को ही अभी हम लोग महत्व देंगे, और 1932 की ही लड़ाई हम लोग लड़ रहे, क्योंकि अभी फिलहाल राज्यवासी बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं, तो हमारी लड़ाई 1932 की है, तो फिलहाल हम लोग इसी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। बाकी समाज में हमारे हमसे बढ़कर बड़े लोग हैं नेतृत्व करने वाले, निश्चय अपने समाज के हित में वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज का बेटा होने के नाते हम उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं जो हमारे नकारात्मक हैं। अब तो अगर उतना भी बात करें तो धर्मों की बात करें तो विभिन्न विभिन्न धर्मों की मानव जाति के इतिहास को लेकर भिन्न भिन्न मानता है। चलिए हम लोग धर्मों की बात नहीं करते हैं, हम लोग आदि मानव मानव का उस सभ्यता की बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं कि आदि मानव पाषाण काल, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण जो तीन भाग में था, फिर नए काल आए, कांस्य युग आया, कभी हड़प्पा आया, लेकिन आदि मानव ने मैक्सिमम उन्हीं जगह पर आप बास किया था जहां जल का स्रोत था। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लीजिए, ज्यादा नहीं, दामोदर नदी के इतिहास को खंगालिए, दामोदर नदी जहां से उद्गम हुआ, जहां से बंगाल की खाड़ी में मिली है, उसमें आप जाके दोनों तरफ गांवों का सर्वे कीजिए, वो जो गांव मिलेंगे जिसमें मैक्सिमम, सब नहीं मैं कह रहा हूं, मैक्सिमम गांव कुर्मी समुदाय के मिलेंगे। यानी वो नदी साफ कह रही है कि नदी के किनारे जो लोग बसे हैं वो प्राचीन लोग होते हैं। तो इसलिए जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि तर्क और तथ्य के साथ खड़ा करें, बाकी किसी की हम लोग भावना पे ठेस ना पहुंचा रहे ना किसी अधिकार को। ये लड़ाई संवैधानिक है और संविधान, भारत का संविधान है, वो तय करेगा, भारत की विधायिका तय करेगी। बाकी हम लोग जो है 1932 की लड़ाई को लेकर, झारखंड के हित को लेकर लड़ रहे हैं, और आगे भी इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। जनाब आपने मानते हैं काफी देर हो चुका है इस मांग को लेकर, पहले ही करनी चाहिए? देखिए मांग तो हम लोग जब छोटा थे तब से देख रहे हैं कि आंदोलन समय समय पर उठता रहा है, लेकिन चूंकि अब लगा है कि लोगों को थोड़ा सा, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का जुड़ाव एक दूसरे से बहुत नजदीक आया है, तो बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो धीरे धीरे समाप्त हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगता है अब थोड़ा सा जुड़ाव ज्यादा होने के कारण, लोग एक जगह जमा होने के कारण अब थोड़ा सा आंदोलन व्यापक हो रहे हैं। अभी आप देखिए जो भी चाहे आंदोलन रहे, अभी जूली महतो देखिए हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन एक दिन में उनका लाखों रुपये कनेक्शन होता है, क्यों? सोशल मीडिया। तो लोग सोशल मीडिया के कारण एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो इसीलिए जो भी अब आंदोलन होंगे अगर आप उसको पहले के आंदोलन से तुलना करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी भूल होगी, क्योंकि पहले का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज सबके हाथों में डिजिटल है, मोबाइल है, और ये बहुत ही आज के डेट में एक हथियार है। जयराम जी, सरकार में बैठे लोग 32 के मामले पे फिर से विचार करने के लिए कह रहे हैं, उसको किस तरह से देखिए मैं तो स्पष्ट मैंने पहले भी मीडिया बंदों के सामने इस बात को रखा था कि जो गवर्नमेंट 1932 की बात कैबिनेट में लेकर आई है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट उथल पुथल चल रहा था, उनके विधायक कलकत्ता में पकड़े जाते हैं पैसों के साथ, तो ईडी का छापा पड़ता है, तो उसी क्रम में जो उथल पुथल राज्य में चल रहा था उस माहौल को शांत करने के लिए और लोगों की भावनाओं को पुनः अपनी ओर वापस लाने के लिए, अपना मैंने पॉजिटिव थिंक जगाने के लिए 1932 कैबिनेट में लेकर आई थी। अगर उनकी मनसा साफ होती तो आज मुझे लगता है एक विशेष सत्र विशेष आहूत किया जाता और उस दिन तय किया जाता, जो कैबिनेट में प्रस्ताव था उसे विधानसभा में पारित किया जाता और फाइनली उसे महामहिम राज्यपाल के पास भेजा जाता, फिर वह संसद भवन तक पहुंचता। लेकिन कहीं ना कहीं मनसा में खोट है, तभी तो आज विलंब हो रहा है। अगर मनसा में खोट नहीं है तो उन्हें विलंब नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल आज के दौर में आपको यह परिभाषा करना होगा, स्थानीय नीति बहुत अनिवार्य है, नियोजन नीति अनिवार्य है, खनन नीति अनिवार्य है, विस्थापन तमाम नीतियां अनिवार्य है, नहीं तो आने वाले 20 सालों में आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे लेकिन झारखंड धुआं धुआं हो जाएगा। इसलिए आज झारखंड के पर्यावरण को, जल जमीन की अवधारणा को बचाने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं उस दिन पेपर पढ़ रहे थे कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा को जाता है। अरे भाई कंपनी का नहीं है, झारखंड यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का, जल जमीन जंगल पर उनका अधिकार होना चाहिए। आपका पंचायत डैम का पानी बीएसएल को जाता है, तो यहाँ के जलों को भी खरीदा जा रहा है, जलों पर कंपनी को प्रतिबंध लग रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।